पहले सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो आज हम देखने वाले हैं कलाश का जो बेलर है उसके बारे में जानकारी लेंगे सर से। तो सर आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम विनोद रोहिला है और मैं पिछले 25 साल से कलाश कंपनी में काम कर रहा हूँ। ये हमारा नया रोलांट 520 बेलर है जो हम अभी लॉन्च किया है और इसमें जो है सारे जो है ना हाइड्रोलिक फीचर हैं। इसका कंप्रेशन जो है वो अदर से कई गुना ज़्यादा है, 70 से 140 बार है। और इसमें जो रोलर लगे हुए हैं वो एक के बाद एक छड़ के हाई कंप्रेशन रोलर लगा हुआ है जिसको HD रोलर बोलते हैं। ओके हैवी ड्यूटी है। ओके और ऑयल सिस्टम जो है इसके अंदर ऑटोमेटिक चैनों के ऊपर जो है वो दिखाना सर, इसको ओपन करना। तो सर यहाँ पर क्या गया इसके बारे में बताइए। यहाँ पर ये देखिए जी, यहाँ पे हम जो है ना 6 ट्वाइंस के बॉक्स में आप ट्वाइंस रख सकते थे। ये ट्वाइन पे भी चलता है और ये नेट पे भी चलता है। Okay. ये इस पे नेट भी रखा हुआ है। आपको जोन सा फीचर पे चलाना चाहते हैं आप उसी पे चला सकते हैं। खाली ये एक पुली है जिसको हम शिफ्ट कर देंगे, ये पिपिन निकाल के बाहर कर देंगे तो ये नेट पे इस पे ट्वाइन पे चल पड़ेगा। ये जो इसके ऊपर सब ऑयल आ रहा है ये ऑटोमेटिक है। इसके अंदर यहाँ पे एक टैंक लगा हुआ है अदर साइड में, अभी दिखाता हूँ आपको। ये टैंक लगा हुआ है इसमें, यहाँ पे ये पंप है, इससे पूरी चैन जितनी भी पूरी इसमें बेलर में चैन लगी हुई है उसको ऑटो अपने आप तेल जाता है, ऑटोमेटिक जो है वो ऑयल फिलिंग करता रहता है ये। ओके जी। और सर और क्या फीचर है इसका? और सर इसमें यहाँ पे ये जो हमारा है ये रोटो फीड है। ओके। इसके अंदर एक रोटो कट भी आता है, ये खाली रोटो फीड है जी। और ये भी हमारा सारा हैवी ड्यूटी में है, आप इसको देखेंगे ये सब, ये अलग निकाल करके इनको कनेक्ट कर सकते हैं। और सर इसका जो वेट है, जो इसकी बेल बनती है उसका वेट कितना होता है? सर इसका वेट जो है अगर आप 70 या 80 प्रेशर पे रखेंगे जी तो वो करीब आपको 2 क्विंटल की बेल देगा। और अगर आप इसको मैक्सिमम पे कर देंगे जी तो ये आपको 2 से 4 क्विंटल तक की बेल दे सकता है। और सर जो कंपनी है वो जो HP है ट्रैक्टर, कितने HP रेकमेंड करती है इसके लिए? सर इसके ऊपर हम जो है 90 HP रेकमेंड करते हैं, 90 HP का रेकमेंड करते हैं। ठीक है कि ट्रैक्टर बढ़िया चलता है और वेट ज़्यादा होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा हैवी बेल बनाएंगे तो पावर आपको उतनी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा चाहिए। ठीक है। अगर आप 1 क्विंटल की बेल बनाते हैं तो आप कम HP में भी काम कर सकते हैं। और सर इसकी कंपनी द्वारा जो गारंटी और वारंटी है उसके बारे में बताइए। सर कंपनी द्वारा इसकी जो है 1 साल की गारंटी रहेगी जी, वारंटी जी। भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो चेंज करके दिया जाएगा? चेंज करके दिया जाएगा, हमारी सर्विस टीम जो है वो 24 आवर अवेलेबल है। ओके ठीक है जी। और सर इसका जो कंपनी प्राइस एस्टिमेटेड प्राइस है वो बता दीजिए। सर एस्टिमेटेड प्राइस जो है करीब 25-26 लाख के आसपास रहेगा। भी वो नेगोशिएबल है? नेगोशिएबल, हाँ। वो जब डील करता है तो वो कम ज़्यादा हो सकता है जी। तो और सर और कोई फीचर जो बताना चाहें आप? वैसे तो फीचर बहुत है इसके अंदर, बहुत फीचर है सर, लेकिन अभी सारे आपको हम बता सही सही। एक सर ये डिस्प्ले है या इसके बारे में जरूर बताएं। डिस्प्ले भी है इसके अंदर, उसका भी ले लो। तो सर ये डिस्प्ले है तो इसके अंदर क्या डिस्प्ले है? यहाँ पे आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि कितनी देर के अंदर आपको बेल पूरी होने के बाद आपको नोटिंग या ट्वाइनिंग करनी है। ओके ओके। और कितने आपको ट्वाइन के या नोटिंग के जो है वो राउंड लेने हैं। ओके वो पूरा सेट हो जाता है? पूरा सेट इससे हो जाता है। ठीक है सर। ओके तो आपकी बेल का जो है, बेल जब कंप्लीट हो जाती है इंडिकेशन जो आता है स्टॉप का जी, वो भी यहीं पे आएगा। ओके तो दोस्तों ये आपने देखा कलाश का। और सर इसका जो मॉडल नंबर है वो क्या है? सर इसका मॉडल नंबर है रोलांट 520 RF। RF मीन्स रोटो फीड। ओके ओके। और दोस्तों आपने देखा बेलर और बेलर की जानकारी, जो इसके अंदर फीचर है उनकी जानकारी, और जो इसने काम किया है वो आप देख सकते हो। वो बड़े बेले, हाँ वो बेले हैं, वो पूरी तकरीबन कोई 3-3.5 क्विंटल वेट होगा इनका सर? हाँ 2 से 2.5 क्विंटल, 2 से 3 क्विंटल के बीच होगा जी। हाँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी जी हमें ज़रूर बताना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और ये चल रहा है सोनाली का 90 के ऊपर।